नमस्कार, बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां बिहार में मंत्री के बेटे को मर्डर करने का प्लान अपराधियों का फेल हो गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, बिहार के दरभंगा जिला से आ रही है, जहां बहेरा थाना क्षेत्र में मंत्री के बेटे अभिषेक कुमार पर जानलेवा हमला के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। बताया जा रहा है कि मंत्री के बेटे से रंगदारी मांगने के मामले में मंत्री मदन सहनी ने जो अपना पक्ष रखा है वो हम आपको सुनाते हैं। बेटे पर जानलेवा हमले के साथ रंगदारी मांगने की बात कही है। बताया, जब मंत्री का बेटा सुरक्षित नहीं है तो औरों के साथ क्या होगा। तो बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर मंत्री के बेटे का मर्डर करने का प्लान अपराधियों का फेल हो गया है। स्कूल के निर्माण में रंगदारी 10 लाख मांगने की बात कही है। दूसरे पक्ष से सुभाष यादव ने भी अपना पक्ष रखा है। सुभाष यादव ने कहा, घटिया सामग्री से स्कूल का निर्माण करवा रहे थे मंत्री जी के बेटा और ध्वस जमा रहे थे कि हम मंत्री के बेटा है, हमारा क्या उखाड़ लोगे, हम जैसी बेसी तुम लोगों को जमींदोज कर देंगे। रोकने पर मंत्री पुत्र ने लगाया झूठा आरोप। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के दरभंगा जिला से, जहां पर मंत्री मदन सहनी, समाज कल्याण के विभाग के मंत्री हैं मदन सहनी, उनके बेटे पर बड़ा आरोप लगाया है और उन्होंने वहां के स्थानीय मुखिया और जो प्रधानाध्यापक हैं उसके ऊपर बड़ा आरोप लगाया है। आइए पूरा सुनते हैं। घटना 3 दिन पहले की है और इसमें जब हम लोग के मामला जानकारी में आई थी तो उस समय हमको बताया गया, तो हमने भी जो वहाँ के मुखिया हैं, पूर्व मुखिया हैं ब्रजकिशोर यादव जी, चूँकि उनसे पुराना जान पहचान था और आज RJD के टाइम में हम उनको प्रखंड अध्यक्ष भी बनाए थे, तो हमको लगा कि हम बात करते हैं। और जब इंजीनियर उस जगह पर गए थे स्कूल का भवन निर्माण करने के उद्देश्य से पहली बार, तो इंजीनियर के साथ इन लोगों ने बड़ा बदतमीजी किया था। जब हमको जानकारी में आए तो हमने भी कहा, और जो स्थानीय निकाय के MLC हैं श्री सुनील चौधरी जी, उनसे मालूम हुआ कि व्यक्तिगत अच्छा संबंध है, तो हम उनको भी यह बात जानकारी में दिया और उनके घर पर जाके हमसे बात करवाए थे कि काम तब शुरू करने दिया गया, काम तो वो शुरू करने ही नहीं दे रहे थे। और आज वो जो बात कर रहे हैं गुणवत्ता का, तो जब काम शुरू ही नहीं हुआ था तो फिर गुणवत्ता का बात कैसे, और इंजीनियर को उन्होंने कैसे बदतमीजी किया। और जब काम शुरू हुआ तो छत लेवल तक चला गया और कितना सामान वो चुराए होंगे उसका कोई ठीक नहीं। उनके भाई उसी स्कूल में हेडमास्टर हैं, उसी पंचायत में उनका घर है, और बराबर ये तंग करते थे जो वहाँ काम करने वाले मिस्त्री हैं, मुंशी हैं, सभी के साथ बदतमीजी करना, धमकाना, रंगदारी मांग, बहुत तरह का मतलब परेशान परेशान कर दिया। हम लोग को कभी कभी ताज्जुब होता है कि जब हम लोग के परिवार का बेटा के साथ ऐसा हो सकता है तो दूसरे के साथ ये लोग क्या करते होंगे, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन जब मामला दर्ज हुआ वो तो समझ लीजिए कि बच के चला आया, भगवान का लिखा हुआ था, नहीं तो वो तो जान लेने का पूरा कोशिश किए। और हम लोग कोई अच्छा कर्म किए हैं ज़रूर जो हमारा बेटा बच के चला आया, नहीं तो उसने कोई कसर नहीं छोड़ा था। तुरंत में पिस्टल ले आना, लाठी ले आना, लकड़ी काटने वाला जो औजार होता है कुल्हाड़ी वो ले आना, उससे वार किया। संजोग से एक लड़का इसके साथ था जो उसको पकड़ लिया, नहीं तो वहीं पर कुछ घटना बड़ा हो जाता। इतना होने के बावजूद भी वो लोग इतना जो है समझ लीजिए कि दिखा रहे हैं कि जैसे पूरा निर्दोष हो, तो बड़ा अजीब लगता है। लेकिन पुलिस ने इसमें तत्परता किया है और जो पूर्व मुखिया है उनको तो गिरफ्तार किया है, लेकिन जो उनका भाई है जो वहाँ हेडमास्टर भी है और जिसने सबको बुलाया था उसका भी गिरफ्तारी नहीं हुआ है। देखते हैं पुलिस कब तक गिरफ्तार करती है। बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी जी के पुत्र अभिषेक सहनी जी के द्वारा और कोसी इंफ्राटेक कंपनी के मालिक के द्वारा बाथो रडियाम पंचायत में एक +2 बिल्डिंग का निर्माण कराया जा रहा था, जिसमें लगातार गलत सामानों का प्रयोग किया जा रहा था। दो सबसे घटिया सीमेंट, गिट्टी, बालू, लोहा का प्रयोग किया जा रहा था, जिस पे ग्रामीण और मुखिया जी हेडमास्टर के द्वारा लगातार इसका विरोध किया जा रहा था, लेकिन उन्होंने मंत्री का पुत्र होने का ध्वस दिखाते हुए ग्रामीणों को हमेशा धमकाते रहता था कि तुम लोगों को देख लेंगे, हमको जो मन होगा सो करेंगे, तुम लोग को क्या औकात है, और इस तरह का अभद्र व्यवहार हमेशा करते रहता था। जिसके बाद ग्रामीणों को आक्रोश आया और उस दिन उनको बोला गया कि तुम
इस तरह से मुखिया जी प्रधानाध्यापक एवं ग्रामीणों से बात नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम लोगों का क्या औकात है, सबको देख लेंगे, जेसीबी से कुचल कर उसमें डाल देंगे, कोई नहीं बचाएगा तुम लोगों को। जिस पे ग्रामीणों का बहुत आक्रोश आया और उससे उन्होंने ग्रामीण और मुखिया जी पर हाथ उठाने का प्रयास किया, जिसके बाद ग्रामीणों द्वारा और उसके पुत्र में बकझक हो गया और धक्का मुक्की होने लगा। ये इस तरह का व्यवहार वो हमेशा करते रहता था, जिसको लेकर ये घटना हुई। मैं सुहास यादव, मुखिया ग्राम पंचायत राजपाथोर अडियान का पुत्र।